सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि मैंने दो तीन दिन पहले अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक पोस्ट किया था कि मैं क्यू एन ए वीडियो प्लान कर रहा हूँ, हमारे चैनल का पहला क्यू एन ए वीडियो। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप वहाँ पूछो और मैं उसके सारे आंसर मैं यहाँ मतलब इस यूट्यूब वीडियो पे दूंगा। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ आपके सारे सवालों का जवाब लेके। जितने मैंने सवाल सोचे थे उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा वन बाई वन सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर देने का। बाय द वे, आज है थर्ड डे ऑफ 21 डेज लॉकडाउन कह लो या 21 डेज सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज कह लो। तो मैं तो पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर पाऊँ उन चीज़ों में जहाँ पे मैं देना चाहता था, जो स्किल मैं इम्प्रूव करना चाहता था। आप कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर रहे हो वो आप मुझे बताओ कमेंट करके। हाँ बस, तो अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बाय द वे, मेरे फ़ोन से शूट हो रहा था, मुझे सारे क्वेश्चंस इस पे ट्रांसफ़र करने पड़े। मेरा ये पुराना फ़ोन था, इसी से जो भी है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राहुल भट्टाचार्य का, वो पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है 1.06 के सब्सक्राइबर होने के बाद। तो राहुल भाई, मेरे अभी 1.06 से बढ़कर 1.07 हो चुके हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट लग रहा है, पर हाँ ठीक है, 1K क्रॉस हो गया, अच्छा लग रहा है। आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, आगे भी ऐसे करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन शुभम शर्मा, मेरे बड़े भाई ने किया है, पर डे यूट्यूब वॉच टाइम कितना होता है, मतलब हाउ मच यू वॉच यूट्यूब एवरी डे। देखना पड़ेगा, वेट। तो लास्ट 7 डे के एनालिटिक्स के हिसाब से देखे तो मैंने 4 घंटा और 17 मिनट यूट्यूब देखने पे बिताए हैं, मतलब एवरेज हो गया 35 मिनट एवरी डे। पर ये आंकड़ा सही नहीं है, कभी मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, कभी मैं बहुत कम देखता हूँ यूट्यूब वीडियोस। और मैं यूट्यूब वीडियोस पे नॉर्मली या तो ट्यूटोरियल देखता हूँ और या फिर मैं अपने कुछ फेवरेट क्रिएटर जो भी मुझे पसंद है उनके वीडियोस देखता हूँ, अदरवाइज़ मैं यूट्यूब कुछ खास नहीं चलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं न्यू मोबाइल स्टेटस SG क्रिएशन की तरफ से, आपका वॉच टाइम कितना हुआ है। मेरा वॉच टाइम, ओके लेट मी चेक, तो अभी मेरा वॉच टाइम 2281 आवर शो कर रहा है, मतलब 2281 घंटा। और मोनेटाइजेशन एनेबल करने के लिए आपको मिनिमम 4000 आवर चाहिए होता है, मतलब हम अभी इस रेस में बहुत पीछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आयात ब्लॉग की तरफ से, आयात भाई पूछ रहे हैं रेगुलर क्यों नहीं हो। तो भाई मैं रेगुलर रहने की कोशिश करता हूँ। मैंने जनवरी महीने में सोच लिया था, इस नए ईयर में मैंने सोच लिया था कि मैं एकदम यूट्यूब पर रेगुलर रहूँगा, हर हफ्ते 2-3-4 वीडियोस जरूर डालूँगा। मैंने जनवरी महीने में अच्छा स्टार्ट भी दिया था, पर नेगेटिविटी लास्ट 1.5 महीने से मैंने 1 या 2 वीडियो ही अपलोड किए हैं, उसका रीज़न है नेगेटिविटी। दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थाट्स आ गए थे जिनको हटाना ज़रूरी था, तो उसके लिए मैंने एक लंबा ब्रेक लिया यूट्यूब से। मैं उस टाइम पे बुक्स पढ़ रहा था और भी काफ़ी चीज़ें कर रहा था, दिमाग को शांत कर रहा था। अभी ठीक है, रेगुलर मतलब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैं वीक में 1 वीडियो ज़रूर डालूँगा, पर हाँ हम आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, फॉर्म में आएंगे। हर बार होता है कि मैं जोश में बहुत ज़्यादा एक बार वीडियो बना देता हूँ और फिर स्लो डाउन हो जाता हूँ, तो मैं अब वो नहीं करना चाहता, मैं धीरे धीरे स्टेप लूँगा, तो कोशिश करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 वी कंटिन्यूड की तरफ से, भाई क्या करते हो आप, कितना पैसा कमा लिया आपने। भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं BCom लास्ट ईयर में हूँ, उसकी एग्ज़ाम देनी है मुझे अभी, और कुछ नहीं करता, यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ जो कि आप देख रहे हो। कितने पैसा कमा लिया आपने, यार मैंने अभी तक यूट्यूब से अगर पूछोगे तो 1 रुपया भी नहीं कमाया है, क्योंकि मेरा अभी तक मोनेटाइजेशन इनेबल भी नहीं हुआ है, तो हाँ कुछ पैसे नहीं कमाए हमने अभी तक। प्रणब माझी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु इज़ योर इंस्पिरेशन। तो प्रणब भाई, अगर आप लाइफ में पूछोगे लाइफ इंस्पिरेशन के हिसाब से, तो मेरे बहुत सारे इंस्पिरेशन है। मैं घर के लोगों से भी सीखता हूँ, बाहर के लोगों से भी सीखता हूँ, काफ़ी क्रिएटर सीखता हूँ, तो वैसे तो इंस्पिरेशन मेरे बहुत है। पर अगर आप पूछोगे कि ब्लॉगिंग के फील्ड में कौन इंस्पिरेशन आपके, तो ब्लॉगिंग की पहचान मुझे मिली थी मुंबई के निखिल से, उन्हीं से मुझे पता चला था, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स को उन्हीं से पता चलता है कि ब्लॉगिंग क्या होती है। पर मुझे सिनेमैटिक वीडियो डालना और स्टोरी टेलिंग, ये सब का कंसेप्ट मुझे इरफान जुनेजो से आया था, और उन्होंने सचमुच बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है इस पर्टिकुलर फील्ड में मुझे। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं रामाकांत भाई ने पूछा है, तुम क्या करते हो पढ़ाई या जॉब। मैं पढ़ाई करता हूँ, BCom लास्ट ईयर में हूँ। तुम
उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे तो वन बाई वन बोल रहा हूँ। तुम सगे भाई हो, मतलब मेरी और स्नेहित की बात हो रही है, तो रामाकंद भाई हम सगे भाई नहीं हैं, हम सगे भाई से भी बहुत बढ़कर हैं। फिल्मी डायलॉग। स्नेहित एक्चुअली मेरा कज़न है, वो चाचा का बेटा मेरा, पर हम सगे भाई से भी सचमुच बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा बढ़कर है। तुम अपने पापा के यहाँ, एक्चुअली मुझे दिक्कत इसलिए हो रही है कि बस हिंदी में लिखा हुआ है और मुझे हिंदी पढ़नी थोड़ी कम आती है। तुम अपने, ये चाचा है ये पापा है, आई डोंट नो। तुम अपने, तो मैं बता दूँ, अगर ये क्वेश्चन अगर चाचा है तो भी ठीक है और पापा है तो भी ठीक है, मैं बता देता हूँ। तुम अपने चाचा के यहाँ रहते हो क्या और तुम अपने पापा के यहाँ रहते हो क्या? चाचा या पापा, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं बता देता हूँ। मैं मेरे पापा के यहाँ रहता हूँ, मेरे पापा मेरे चाचा सभी के साथ रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली है, तो हाँ मैं घर पे रहता हूँ। अच्छा क्वेश्चन, तुम यूट्यूब पे, तुम्हें यूट्यूब से पैसा मिलता है? नहीं, अभी तक नहीं। आगे क्या ट्रैवल, कहाँ ट्रैवल करोगे? जवाब देना ज़रूर। ओके, तो मैंने आपके ऑलरेडी 3-4 सवालों के जवाब दे दिए हैं। और आगे कहाँ ट्रैवल करूँगा, फ़िलहाल तो रामाकंद भाई, कोरोना वायरस के लिए मोदी जी ने हमें स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे ही रहो, तो अभी का प्लान तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे ही रहना का है। आगे कहाँ ट्रैवल करेंगे वो आगे आगे प्लान बनेगा और अपडेट मिलता जाएगा आप लोगों को, फिलहाल तो अभी घर पे ही रहने का प्लान है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो यूट्यूब पोस्ट पर हमें पूछे गए थे, और उसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चन है जो कि मैं वन बाई वन कवर करता हूँ। इंस्टा पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। कृष अग्रवाल पूछ रहे हैं, भाई स्नेहित वीडियोस में नहीं दिख रहा आजकल, क्या बात है? ओके, ये काफ़ी दिन का टॉपिक है, मतलब ये काफ़ी बार पूछा गया मुझसे कमेंट सेक्शन पे भी और पर्सनल मैसेज पे भी, तो मैं इग्नोर कर रहा था इस क्वेश्चन को कि स्नेहित यूट्यूब पे वीडियो पे क्यों नहीं आ रहा, या फिर स्नेहित कहाँ पर जो भी कर रहा है, तो मैं इग्नोर कर रहा था। पर मैं आंसर, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं आंसर करूंगा आपके सारे सवालों का, तो मैं इसका भी आंसर करूंगा। तो भाई इसलिए स्नेहित वीडियो पे नहीं आ रहा, बिकॉज स्नेहित अभी रघुनाथपुर पे नहीं रह रहा, वो घर पे नहीं रह रहा, वो कहीं और रह रहा है और कुछ और ट्राई कर रहा है, मतलब अभी वो यूट्यूब पे इनएक्टिव है, यूट्यूब वीडियोज़ नहीं बना रहा है, तो इसलिए वो यूट्यूब वीडियोज़ पे नहीं दिखता है आप लोगों को, वो कुछ और ट्राई कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद वो दोबारा इस चैनल पे आप उसको देख लो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो इस चैनल पे दोबारा कभी ना दिखे, कुछ भी हो सकता है। अब ये सुन के आप लोगों को नेगेटिव वाइब्स थोड़ी आ रही होगी, तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो भाई ऐसा है कि 18 से 25 जो हमारी एज होती है, ये होती है एक्सपेरिमेंट के लिए, आपको जो भी ट्राई करना होता है आप इस एज में करना चाहिए आपको, मतलब आप रुको मत, आपको लग रहा है कि मैं ये ट्राई करना चाहिए, मुझे मैं कुछ कर सकता हूँ इस फील्ड में, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये जो एज हमारी होती है, इस एज में हम काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं कि हम अपने लाइफ के डिसीजन ले पाएँ, एटलीस्ट करियर के मैटर पे। और साथ ही साथ इस एज में हमारे कुछ पेरेंट्स की तरफ से या फैमिली की तरफ से कुछ खास प्रेशर नहीं होता किसी चीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर कम होती है, तो ये गोल्डन टाइम होता है हमारे लिए कि हम इसको सही जगह पे लगा सके या जो भी हमको ट्राई करना है वो कर सके। ये भी बात सच है कि जब जागो तब सवेरा, जब आपने किसी चीज़ को स्टार्ट किया तभी उस चीज़ को स्टार्ट करने का परफेक्ट टाइम होता है, पर 18 से 25 एज बहुत बहुत बेटर होता है बाकी टाइम स्टार्ट करने से ज़्यादा, जो भी है। तो आई होप आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा, स्नेहित के बारे में जो भी सवाल था आई होप क्लियर हो गया होगा आपका, और विशिंग लक कि जो भी ट्राई कर रहा है उस पर सक्सेस मिले उसे। भाई मेरा ये पूछा है सागर वर्मा ने, भाई मेरा फोटोशूट कब करेगा, बोल के रह गया। तो सागर भाई, हम लास्ट कब मिले थे, 3-4 साल पहले आई गेस, उसके बाद हम मिले ही नहीं, तो फोटोशूट करूँगा कैसे, पर जब भी मिलेंगे आई प्रॉमिस कि मैं आपका फोटोशूट जरूर करूँगा। नेक्स्ट यूवान्स 21, कौन सा डिवाइस यूज़ करते हो भाई रिकॉर्डिंग के लिए? भाई मैं पोको F1 यूज़ करता हूँ, द वन एंड ओनली डिवाइस जो कि मैं पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा है। आकाश सिन्हा पूछ रहा है, इरफान जूनियर जो क्विट्स यूट्यूब, व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? तो आकाश भाई शायद आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, मैं करेक्ट कर देता हूँ, इरफान जूनियर जो क्विट्स यूट्यूब नहीं, इरफान जूनियर जो ब्लॉगिंग को क्विट किया है, और इसके ऊपर मेरा थॉट क्या है, तो यार पहले दिन जब मैं उन्हें, मतलब जब उनकी वीडियो आई थी आई क्विट बोल के, तो मैंने देखा था, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे वो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है इस फील्ड में, और आपका एक बड़ा इंस्पिरेशन अगर ये चीज़
क्विट कर देता है तो आपको थोड़ा बुरा लगता है, पर बाद में मैंने जब उनका वीडियो फिर से देखा तब मुझे समझ में आया कि ये बात भी सच है कि आप पेड़ के एक शाख को नहीं छोड़ोगे तो आप दूसरे शाख में पहुंच नहीं सकते। तो जैसा भी है, जो भी है, ठीक है। आकाश भाई ने फिर एक क्वेश्चन पूछा है, कोलैब कब करेंगे हम दोनों, 5 महीने से प्लानिंग चल रही है। तो आकाश सिन्हा एक यूट्यूबर है, वो भी एक ब्लॉगर है, रनचाइट आकाश बोल के उनका चैनल है। तो मैं और आकाश सोशल मीडिया पे एज ए क्रिएटर मिले थे, बट बाद में बात करते करते हम अच्छे दोस्त बन गए और हम काफ़ी महीने से प्लान कर रहे हैं कि हमारा एक कोलैबोरेशन वीडियो आए। काफ़ी बार वो प्लानिंग काफ़ी हद तक आगे गई पर फिर से कुछ ना कुछ रीज़न से वो वहीं रुक गई। तो आई डोंट नो कब करेंगे हम कोलैब, बट जब भी करेंगे आपको बहुत अच्छा एक कंटेंट देखने को मिलेगा, धांसू सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपूर्व सहाय की तरफ से, व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इन ब्लॉगिंग, एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग और समथिंग एल्स। तो मेरे हिसाब से ब्लॉगिंग में स्टोरी मैटर करता है सबसे ज़्यादा, कि आप कंटेंट पे क्या दिखा रहे हो, क्या बोल रहे हो। अब उसको बोलने का तरीका आपका स्टोरी टेलिंग होगा या नॉर्मल आप बैठ के बात कर रहे हो, वो आपकी मर्ज़ी, वो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। और एडिटिंग का बात करें तो ब्लॉगिंग के फील्ड में एडिटिंग मुझे नहीं लगता कुछ खास ज़रूरत है उसका। ब्लॉगिंग में मैटर करता है कि आप कंटेंट पे क्या दे रहे हो और कंसिस्टेंट हो कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुमित चैटर्जी के तरफ से, एखन की कोचिस आई वेंट टू से स्टडीज़ की भावे टाइम काट छे। ओके, तो सुमित भाई आपको अगर बंगाली समझ नहीं है तो मैं बता देता हूँ, इसका मतलब है कि अभी आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई में क्या कर रहे हो और आपका टाइम किस तरह कट रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे लॉकडाउन हो चुका है। तो सुमित भाई मैं अभी बीकॉम थर्ड ईयर में हूँ, वही पढ़ाई कर रहा हूँ और टाइम अपना बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें है, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, स्पॉटिफाई में आजकल मैं पॉडकास्ट सुनने का भी मेरे को हैबिट बैठ रहा है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। और बाय द वे मैं यहाँ गिटार भी रखा हुआ है, वो भी मुझे सीखना है, अभी मैं उस पर नहीं आ रहा पर कुछ दिन बाद ज़रूर मैं स्टार्ट करूँगा वो, तो कुछ इस तरह मेरा टाइम कट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टिक कुड़ी बोलती है कि पहले तुम बताओ तुम हो कहाँ। तो मैं घर पे हूँ, आपके सामने हूँ और सभी घर पे हैं मुझे लगता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं देश की, अपने फैमिली की, वो घर पे ही हैं फिलहाल। तो मैं भी घर पे हूँ एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुनंदा की तरफ से, ये पूछ रही है हाउ मेनी प्लेसेस यू हैव ट्रैवल टिल नाउ। 3-4 सवाल है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। हाउ मेनी प्लेसेस यू हैव ट्रैवल टिल नाउ, हु इज़ द बेस्ट ब्लॉगर अकॉर्डिंग टू यू, ओके, हाउ मच यू गोना रेट योर वर्क। ओहो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो मैं अभी तक कितना जगह ट्रैवल कर लिया, मैं इंडिया के बाहर कहीं नहीं गया और इंडिया में मैं काफ़ी जगह ट्रैवल कर लिया। मोस्टली मैं राजस्थान 6-7 बार जा चुका, क्योंकि हर साल नहीं पर हर 1-2 साल में मैं खाटू जाता हूँ फैमिली के साथ। तो मैं राजस्थान काफ़ी घूम लिया, पर राजस्थान में भी काफ़ी ऐसे जगह जहाँ मैं नहीं घूमा, मुझे घूमना है। जैसे जोधपुर मैं नहीं घूमा अभी तक, उदयपुर नहीं घूमा, जैसलमेर नहीं घूमा, इतना अच्छा अच्छा जगह, तो वो मुझे घूमना है। तो काउंट नहीं कर सकते यार, ऐसे तो घूम लिए। महाराष्ट्र नहीं गया, गुजरात नहीं गया, यूपी चला गया मैं, राजस्थान चला गया और बंगाल में रहता ही हूँ। तो हाँ, यही है। इन्होंने और भी क्वेश्चन पूछा है, हु इज़ द बेस्ट ब्लॉगर अकॉर्डिंग टू यू। यार बेस्ट ब्लॉगर कोई नहीं होता, मेरे हिसाब से पूछोगे तो मेरी पर्सनल चॉइस इरफान जुनेजो थे, क्योंकि मुझे इरफान जुनेजो का कंटेंट स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा लगता था। पर हर ब्लॉगर अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सब मेहनत करके कंटेंट बना रहे हैं। हाउ मच यू गोना रेट योर वर्क, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने कंटेंट को रेट देना चाहिए, ये आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना रेट देते हो। मेरा काम है कंटेंट क्रिएट करना, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। अब आपको रेट देना है तो ही मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। अब मेरे से पूछोगे तो मैं अपने कंटेंट को अभी मुझे जैसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, थोड़ी और कोशिश करने से, उतना मैं नहीं कर रहा, तो मैं अभी अपने 4-5 देना चाहता हूँ अपने काम को रेट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंकिता की तरफ से। अंकिता पूछ रही है मेरे से, ऐसे सुबह सुबह जो तुम रोज़ पहाड़ पे जाते हो, ऐसा क्या है जो तुम मिस करते हो और देखने जाते हो, सूरज, आसमान और घास के तो अंकिता, मैं पहाड़ इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे पहाड़ से अलग लेवल का अटैचमेंट है, पता नहीं क्यों। अभी ये 21 डेज लॉकडाउन में मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, तो मैं पहाड़ जा नहीं पा रहा, वरना मैं लास्ट 1 महीने से डेली पहाड़ जा रहा हूँ, या तो सुबह या तो शाम को, कुछ ना कुछ रीज़न से मुझे अच्छा लगता है। बस काफ़ी पीसफुल वो जगह होता है, हवाएं चलती है, सूरज की रोशनी, धूप की किरण, ओहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एकता ने, मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ। यार बचपन में ऐसा होता था कि सब साथ में टीवी देखते थे, मूवी देखते थे और
टीवी देखते देखते कोई ऐसा सीन आ जाता कि जो थोड़ा एडल्ट सीन हो, तो उस मोमेंट पे या तो टीवी का चैनल चेंज हो जाता था, या तो कोई मुंह इधर उधर घुमा लेता था, या तो कोई बाहर चला जाता था। तो वो बड़ा एम्बेरसिंग सा मोमेंट होता था बचपन में। आई होप आप लोगों के साथ भी होता होगा, ये हुआ होगा, या फिर आपके साथ कुछ और हुआ तो आप बताओ आपका मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा पूछ रही है, सर आपके लव लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए। यार अगर आप लव के बारे में पूछोगे तो लव लाइफ के बारे में हाँ, मैं अपने सारे दोस्तों से, सारे घर वालों से, सारे फैमिली मेम्बर से, खुद से और जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर आप अगर पूछोगे कि ट्रेंड वाला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला लव लाइफ के बारे में बताओ, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, आगे होगा, आगे आपको अपडेट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अनिकेत चंदन, अनिकेत पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, आगरा का ताजमहल वाइट कैसे रहता है? मैंने सामने से तो देखा नहीं है, पर हाँ फोटो में वाइट ही दिखता है। और मैंने ऐसा सुना है कि पूरे साल वहाँ पे साफ सफाई का काम चलता रहता है, एक साइड मतलब चार साइड, तो हो सकता है इसके कारण वहाँ साफ सफाई बहुत ज़्यादा है। और वाइट की क्यों है ये तो भाई शाहजहाँ को पूछो जिन्होंने बनाया है। तुम इतना कूल कैसे हो? भाई मैं कूल, भाई मुझे नहीं लगता मैं कूल हूँ, मुझे पता नहीं क्यों आपको लोग लगता है, क्योंकि भाई ठंड आई थी बहुत ज़्यादा, तो अभी थोड़ा कूल हो गया था, अब समर आ गया तो आउट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बारहवीं की तरफ से, बारहवीं पूछी है, तो मेरा सवाल ये है कि आपने अपने भैया की शादी में डांस क्यों नहीं किया? तो मैंने डांस इसलिए नहीं किया बिकॉज आपको वीडियो में मैंने बता दिया था कि अगर मैं डांस करूँगा तो शूट कौन करेगा, तो मेरा जो काम था मैंने किया। और यार डांस कैसा ना कि मुझे मन बहुत है पर मुझे आती नहीं, तो जब सीखेंगे तब करेंगे अच्छे से, या फिर ग्रुप में हमें आप कभी देखोगे डांस करते हुए जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये शायद आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन श्वेता की तरफ से, श्वेता पूछ रही है आपने अपने ड्रीम को पाने के लिए किस हद तक जाना चाहिए जब सिचुएशन आपके लिए सही ना हो? ओके, तो श्वेता वैसे मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो श्वेता ये क्वेश्चन अच्छा है, अब मैं बता दूँ। तो यार वो ड्रीम ही नहीं जहाँ पे सिचुएशन इजी हो। एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके सामने एक केक रखा हो जो आपको खाना बहुत मन कर रहा है खाने का, तो वो आपका ड्रीम नहीं हो सकता क्योंकि वो आपके सामने रखा है, आपको खाना है, खा लो। ड्रीम वही है जो आसानी से नहीं पाया जाता, मतलब विश करते हो काश ऐसा होता, वही हम ड्रीम बोलते हैं। तो जो आसानी से मिल जाए वो तो ड्रीम हो ही नहीं सकता, और किस हद तक जाना चाहिए वो पूरा पूरी आपके ऊपर है। आपको आपका ड्रीम कितना पसंद है या आप उस ड्रीम को पाने के लिए क्या कर सकते हो वो पूरा पूरी आपके ऊपर है। तो यार सिचुएशन तो किसी के लिए बेटर नहीं होता, हर कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, और जो ड्रीम इजीली मिल जाए वो ड्रीम होता ही नहीं है। तो मेहनत करो, लगे रहो, डोंट गिव अप, बस अगर पाना है तो पाना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। या सिचुएशन जितना डिफिकल्ट होगा ना ड्रीम को चेज करने के बाद उतना मजा आएगा। हाँ, तो ये सोच के आगे बढ़ते रहो। आई होप बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया मैंने आपको, आपके सारे सवालों का आंसर मिल गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, मजे में रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।